हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खासकर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि लेटर ऑन उनको SSB अटेंड करनी है और बहुत सारे पॉलिटिकल टॉपिक्स उनसे पूछे जाते हैं। तो उनकी उनका जो व्यू पॉइंट है, जो विचारधारा है, वो तभी बनेगी जब उनको उन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज हो। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको, जैसे चाइल्ड लेबर के ऊपर अगर आपसे कभी कोई टॉपिक आया है SSB में, डिस्कशन के लिए भी आ सकता है या लेक्चरेट के लिए भी आ सकता है, तो चाइल्ड लेबर के लिए क्या कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, किस आर्टिकल में वो दिया है, वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं, ठीक है, क्या एज लिमिट है, एम्प्लॉयमेंट कितनी एज तक लीगल है या कितने एज के नीचे इलीगल है, वो सारे प्रोविजंस आपको मालूम होने चाहिए बेटा। देन ओनली यू विल एबल टू से समथिंग अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है, तभी तो आपकी विचारधारा बनेगी। तो सबसे पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है, इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर कभी वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आ जाए, कोई भी सोशल इशू आ जाए, तो यू शुड नो कि महिलाओं के लिए हमारे देश में क्या क्या रिजर्वेशंस हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या लॉज बनाए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसलिए इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम में तो आता ही आता है, साथ में आपके कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को इन्हांस करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन पॉलिटी पढ़ने से पहले, ठीक है, आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूम होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी में हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, आप लोग साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान की, ठीक है, तो हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है बेटा, ये कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं। देर आर फ्यू गाइडलाइंस गिवन कि हमें अपने देश को कैसे चलाना है। आज़ादी के वक्त जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उन लोगों ने मिलकर हमारा देश का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जिसके आधार पर हमारा देश चल रहा है और अभी तक चल रहा है। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हम देखेंगे, और बाकी हम लोग अमेंडमेंट्स या कुछ चेंजेस हम लोग करते हैं और करते आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैसे पूरा वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है, लोग इवॉल्व हो रहे हैं, तो उसके अनुसार हमारा कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को भी इवॉल्व होना चाहिए। तो हम लोग कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं, उसके प्रोविजंस भी हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत में मैं क्या लिखूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग बट द बेसिक गाइडलाइंस इन ऑर्डर टू गवर्न द नेशन। देश को चलाने के लिए जो बेसिक गाइडलाइंस चाहिए, बेसिक रूल्स चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैं ऐसा लिखूंगा, कलेक्शन ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर गवर्नेंस, ठीक है, देश को चलाने के लिए। तो कलेक्शन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक सिद्धांत है, उसका कलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन है। फॉर गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब है देश को चलाना, ठीक है, कानून की मदद से देश को चलाना। इसको हम कलेक्शन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स को हम लोग लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल को मैं लॉज भी बोल सकता हूँ, कुछ लॉज हैं, ओके। सो नाउ आफ्टर दिस, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब हमें देश को चलाना है, तो देश को चलाने के लिए हमें बहुत सारी पावर्स बांटनी पड़ेंगी, बहुत सारे फंक्शंस बांटने पड़ेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है बेटा, आप कोई भी, जैसे स्कूल है, स्कूल में आप देखोगे कुछ टीचर्स हैं जिनका काम एकेडमिक से रिलेटेड है, बहुत सारे लोग मैनेजमेंट वाले हैं, बहुत सारे लोग फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करते हैं, बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो अलग अलग हमें क्या बांटना है, पावर्स बांटनी है, कि एकेडमिक्स वालों के पास टीचिंग पावर्स हैं या उनका ये एरिया है। उसी तरह जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, तो उसके अनुसार हमने क्या करा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, और सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। तो ये चीज़ें हमारे समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है, फंक्शंस को बांटना बेटा, ठीक है, फंक्शंस को बांटना। मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, फंक्शंस को बांटना। तो अब हमने फंक्शंस कैसे बांटे हैं बेटा, तो हमने तीन इम्पॉर्टेंट बॉडीज फॉर्म करी हैं, देर आर थ्री इम्पॉर्टेंट बॉडीज, और वो थ्री इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ में सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव, ठीक है,
एग्जीक्यूटिव बेटा, एग्जीक्यूटिव का मतलब है ये लोग देश को चलाते हैं कानून की मदद से. हु इज़ द टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव? प्रेसिडेंट इज़ द टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव. और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं सारे एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं. अगर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM, कलेक्टर अगर किसी जिले का हो तो वो क्या करता है, वो सारे कानून को देखते हुए देखता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर हैं उस डिस्ट्रिक्ट में है वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं ना, कानूनी दायरे के अंदर. तो एग्जीक्यूटिव का काम है देश को चलाना, टू गवर्न द नेशन बट विद द हेल्प ऑफ लॉ. ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इट गवर्न्स द नेशन विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ लॉ. ठीक है, माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड इसलिए मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए. ओके, सो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटा, एग्जीक्यूटिव का काम है गवर्न द नेशन विद द हेल्प ऑफ लॉ. सेकेंड बॉडी सेपरेशन ऑफ पावर में जो सेकेंड बॉडी है वो है लेजिस्लेटिव बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी. जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो आपकी लॉ मेकिंग बॉडी है. ठीक है, कोई कानून तो बनाए देश के लिए. ठीक है, बहुत सारे नए कानून आपको आप देखते हैं आते हैं देश में लागू होते हैं, तो वो कानून कौन बनाता है, लेजिस्लेटिव बॉडी. और लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन आते हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, MPs हैं या MLAs हैं, ये लोग हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं. तो लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर मैं क्या लिखूंगा, इट मेक्स द लॉ. ठीक है, इसका मतलब लेटर ऑन हम लोग लेजिस्लेटिव बॉडी को अच्छे से पढ़ेंगे. इसके अंदर हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड देन स्टेट असेंबलीज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, अच्छा, उसके बाद है थर्ड जो बॉडी है, जो थर्ड पिलर है, उसको हम लोग जुडिशरी कहते हैं. जुडिशरी का काम क्या है, इंसाफ दिलाना, जस्टिस प्रिवेल करवाना, या टू एडजुडिकेट द लॉ, कानून को समझाना भी है इसका काम. ठीक है, जुडिशरी का काम जो भी कानून बनता है उसको समझाना भी है. तो मैं क्या लिखूंगा, एडजुडिकेट्स द लॉ. बहुत अच्छा वर्ड है ये एडजुडिकेट्स, इट एडजुडिकेट्स द लॉ. या मैं ये भी लिखूंगा जस्टिस प्रिवेल करवाना. ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, उसका काम है जस्टिस प्रिवेल करवाना. ठीक है, ओके. तो ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, इनके बेसिक फंक्शंस आपको बेटा मालूम होने चाहिए. एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब है इनको देश को चलाना है कानून की मदद से. लेजिस्लेटिव बॉडी विल मेक लॉज. एंड थर्ड, जुडिशरी बॉडी क्या करेगी, आपको कानून समझाएगी, एडजुडिकेट्स द लॉ, उसके साथ साथ जस्टिस भी प्रिवेल करवाएगी और देखेगी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे. जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी जो पॉलिसी या कोई भी लॉ बना रही है वो पीपल वेलफेयर ओरिएंटेड है या नहीं है वो भी देखना उसका काम है. उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव प्रॉपरली उन लॉज के ऊपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ये भी जुडिशरी का देखने का काम है. ठीक है, तो जुडिशरी बॉडी बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये तो था सेपरेशन ऑफ पावर्स. अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का मतलब है इन्होंने कैसे क्षेत्र बांट दिए बेटा, एरियाज कैसे बांट दिए. ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. ठीक है, बहुत ज़रूरी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. तो हमने क्या करा, कुछ पावर्स हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास पूरी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है. ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट. तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनियन लिस्ट. ठीक है, यूनियन लिस्ट के ऊपर पूरी अथॉरिटी किसकी है, पार्लियामेंट की है. पार्लियामेंट हैज़ फुल अथॉरिटी ऑन यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में कौन कौन से एग्जांपल्स, अगर मैं बोलूँ यूनियन लिस्ट के अंदर कैसे कैसे मैटर्स आएंगे, सिर्फ यूनियन ही डील कर सकता है, याद रखने से. डिफेंस है बेटा, डिफेंस एक यूनियन अफेयर है. ठीक है, स्टेट्स डिफेंस से रिलेटेड कोई फैसला नहीं ले सकते. एटॉमिक एनर्जी है. स्पेस है, पोस्टल सर्विसेज हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, ये सारे एग्जांपल्स हैं बेटा. आपने देखा होगा ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर कोई भी अगर फैसला लिया जाएगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी. ठीक है, तो अब हम बेटा एरियाज बांट रहे हैं. डिफेंस का एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया, एटॉमिक एनर्जी का एरिया
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया या यूनियन के अंदर आ गया, स्पेस, इसरो एंड ऑल, स्पेस से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं सारे डिसीजन मेकिंग कौन लेगा? यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट का कोई इसमें रोल नहीं है, ठीक है। नंबर टू, अब स्टेट रिलेटेड लिस्ट आएगी, इसको हम लोग स्टेट लिस्ट कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेट लिस्ट। तो स्टेट के अंदर कैसे कैसे मैटर्स हैं वो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, लेकिन पूरी अथॉरिटी किसके पास रहेगी? स्टेट लेजिस्लेचर के पास, ठीक है। यूनियन लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आता है, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, स्टेट लेजिस्लेचर, पूरी अथॉरिटी किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है इसमें विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, ये हम अभी देखेंगे अच्छे से। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, लेट्स सी एग्जाम्पल। स्टेट रिलेटेड मैटर्स कैसे, जैसे पुलिस या पुलिसिंग इज अ स्टेट अफेयर, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर उत्तराखंड की पुलिस है तो वो उत्तराखंड सरकार के अंडर है, छत्तीसगढ़ की पुलिस छत्तीसगढ़ सरकार के अंदर है, तो जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी पुलिस उनके अंडर है, लेकिन दिल्ली को छोड़कर, ठीक है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर जो पुलिसिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के अंदर है, वो एक एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। दिल्ली के अंदर पुलिसिंग दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। आपने सुना होगा केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि दिल्ली के को एक पूर्ण स्टेट, एक कंप्लीट स्टेट का ओहदा देना बहुत ज़रूरी है, वो हमेशा कहते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन में भी ये बात रखते हैं कि दिल्ली को पूर्ण या कंप्लीट स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। इसका मतलब दिल्ली गवर्नमेंट को अथॉरिटी होनी चाहिए पुलिस के ऊपर, पुलिसिंग के ऊपर या लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर। तो लैंड भी उनके हाथ में नहीं है और साथ में पुलिसिंग भी उनके हाथ में नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है जो काफ़ी टाइम पहले से चला आ रहा है, जिसको चेंज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली एक एक्सेप्शन है, याद रखना, नहीं तो पुलिसिंग कैसा अफेयर है? एक स्टेट अफेयर है, ठीक है। उसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर ये कैसा अफेयर है? स्टेट अफेयर है। अच्छा, फिर कुछ ऐसे भी आपके चीज़ें हैं जो स्टेट और यूनियन दोनों के अंदर आते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अथॉरिटी है उसके ऊपर कुछ चेंजेस करने की और यूनियन गवर्नमेंट के पास भी अथॉरिटी है, उसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, वी कॉल इट कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, उसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो अथॉरिटी होगी वो किसकी होगी बेटा? स्टेट और यूनियन दोनों की। इसका मतलब पार्लियामेंट कैन ऑल्सो टेक डिसीजन्स, ठीक है, कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग कॉन्करेंट लिस्ट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूँ, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन जो अफेयर है वो स्टेट का भी है यूनियन का भी है। फॉर एग्जाम्पल केंद्रीय विद्यालय, जितने भी ये केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल्स हैं उसमें स्टेट से भी फंड जाता है, पैसा जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंड जाता है। तो एजुकेशन कैसा अफेयर है? एजुकेशन एक कॉन्करेंट अफेयर है जो स्टेट के अंदर भी आता है और यूनियन के अंदर भी आता है। तो हम बाद में लिस्ट देखेंगे बेटा, ठीक है, एट द एंड जब पॉलिटी हम लोग ख़त्म करेंगे, एट द एंड हम लोग देखेंगे कि यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से मैटर्स हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन से मैटर्स हैं एंड कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन से मैटर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूंगा, लेकिन उससे पहले बच्चों के कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए। कुछ टर्म्स का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की, इफ़ आई टॉक अबाउट पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट कंप्राइजेस, एग्जाम में क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट कंप्राइजेस प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट का मतलब है उसके अंदर राष्ट्रपति भी आता है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होता है कि पार्लियामेंट ओनली कंप्राइजेस लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट भी आता है और लोकसभा और राज्यसभा, तीनों चीज़ें। लेकिन अभी हम प्रेसिडेंट की बात नहीं करेंगे, उसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन पार्लियामेंट का मतलब अभी मैं आपको सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से समझा रहा हूँ, ठीक है। राज्यसभा को मैं अभी RS लिख रहा हूँ सिर्फ, राज्यसभा, लोकसभा को मैं LS लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कुछ मेंबर्स आपके राज्यसभा में होते हैं, कुछ मेंबर्स आपके लोकसभा में होते हैं। कंबाइंडली इन मेंबर्स को हम लोग कहते हैं कंबाइंडली, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, उसको हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर मैं बात करूँगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको हिंदी में सांसद भी कहते हैं, अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करूँगा तो याद रखिएगा
वो लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है या राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है, ठीक है। और हिंदी में हम उसे सांसद कहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन शॉर्ट हम लोग एमपी भी कहते हैं, एमपी, ठीक है, आपने सुना होगा। उसके अलावा अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूँ, लेट्स टॉक अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर, तो एक टर्म क्लियर होने चाहिए आपको एमपी क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्टेट लेजिस्लेचर की, ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बहुत सारे स्टेट्स में बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। बाय कैमरल का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद दोनों का होना, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो विधानसभा और विधान परिषद का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको हम लोग विधानसभा बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको हम विधान परिषद बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ मेंबर्स आपको विधानसभा में मिलेंगे, कुछ मेंबर्स आपको विधान परिषद में मिलेंगे, ठीक है। बल्कि मैं लिख लेता हूँ, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा कहते हैं और इसको हम बोलते हैं विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद, ओके। तो जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको हम बोलेंगे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बोलेंगे, एमएलए, ठीक है। तो आपने सुना होगा एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को हम लोग एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और हिंदी में हम दोनों को विधायक कहते हैं, ठीक है, विधायक, इन हिंदी वी कॉल इट विधायक, दोनों को हम लोग विधायक बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में इनको हम लोग विधायक बोलेंगे। एमपी को हम लोग हिंदी में सांसद बोलते हैं, ठीक है, सांसद। तो ये कुछ टर्म्स है जो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, और कुछ डेट्स देखेंगे, इम्पॉर्टेंट डेट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट मेंबर्स देखेंगे जिनका योगदान रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, और फिर हम देखेंगे कि ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट।